जी अस्सलाम वालेकुम, नियामत खान दुरानी, रिलेशनशिप कोच, लीडरशिप ट्रेनर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो उन छह निशानियों के बारे में बात करने लगे हैं। ये छह निशानी जिस भी रिलेशनशिप में होती है उस रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप कहते हैं। सबसे पहले उसमें आता है से सॉरी टू ईच अदर। जिस भी रिलेशनशिप में एक दूसरे को सॉरी कहा जाता है और रिलेशनशिप हेल्दी होता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस से आए, घर आए और आपने कुछ ऐसी बात कर ली है जो आपकी वाइफ को समझ नहीं आई, जो उनको बुरा लगा, तो थोड़ी देर बाद जब आपको रियलाइज़ होता है तो आप जाके उनको सॉरी कहें। जब आप जाते हैं और उनको सॉरी कहते हैं तो सॉरी से बात ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी बंदा ऑफिस से आता है और उसने ऑफिस से आके हुए या कुछ चीज़ उसको घर में अच्छी नहीं लगी और उसने कुछ कह दिया, वाइफ को कह दिया, बच्चों को कह दिया, कुछ कह दिया, और थोड़ी देर बाद जाके वो अपने वाइफ से, बच्चों से सॉरी कहते हैं, तो इस टाइप की रिलेशनशिप जो होते हैं जिसमें सॉरी कहते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने गलती कर दी या कोई ऐसी बात कर दी है जिसके बाद उसने जाके सॉरी कह दिया, या दूसरी बंदे ने, जब एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, इस टाइप की जो रिलेशनशिप होते हैं वो हेल्दी रिलेशनशिप होती है। नंबर दो, रिस्पेक्ट ईच अदर। जिस भी रिलेशनशिप में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की इज्जत रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो रिलेशनशिप बहुत कामयाब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हम जो नॉर्मली करते रहते हैं, हम एक दोस्त ने इनवाइट कर दिया उसकी पार्टी पे, उसकी शादी पे, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं यार आप 10 मिनट लेट हो गए, आप 20 मिनट लेट हो गए, तो कहते आपकी भाभी की वजह से, या भाभी कहते आपकी भाई की वजह से। तो इस टाइप की चीज़ें जो हम करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं, तो यही नहीं करना चाहिए। अगर जिस भी रिलेशनशिप में फॉर एग्जांपल आप उसी पार्टी पे पहुँचे, आप बेशक अपनी वाइफ की वजह से लेट होगा, आप बेशक अपने हस्बैंड की वजह से लेट हो चुके हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं और आपसे कोई पूछते हैं तो आप कहते हैं आई एम रियली सॉरी यार, मैं थोड़ी सी लेट हो गया या मैं थोड़ी सी लेट हो गई। सो इस टाइप की चीज़ें जिस रिलेशनशिप में होते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, नंबर तीन, सपोर्ट ईच अदर ड्रीम्स। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई ख्वाहिश है, या आपकी वाइफ की कोई ख्वाहिश है, या आपके हस्बैंड की कोई ख्वाहिश है और वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो उसमें उनकी सपोर्ट करें, उनमें उनके साथ दे दें, या अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो आपका सपोर्ट करें। जैसे अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज़ होती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे के जो ड्रीम्स होते हैं उसमें उनकी सपोर्ट करते। फॉर एग्जांपल, मैं एक जगह पे बैठा हुआ तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार आपने ये कोर्स कहाँ सीखा, मैंने कहा यहाँ सीखा, उसने जाके वो निकाल दिया मेरे सामने, उसने लिंक कॉपी करके कहीं भेज दिया। दूसरी जगह उसने मुझे कहा ये कोर्स आपने कहाँ सीखा, मैंने कहा यहाँ सीखा, वहाँ जाके उसने लिंक, तो मैंने कहा ये क्या करे, कि ये मैं अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ, ये उनके रिलेवेंट चीज़ें हैं ताकि वो भी इस कोर्स में शामिल हो जाए और उनको कोई, तो इस टाइप की सपोर्ट करते एक दूसरे को। तो जिस रिलेशनशिप में ये चीज़ एक दूसरे की ड्रीम को सपोर्ट करते हैं तो वो रिलेशनशिप हेल्दी होते हैं। नंबर चार, ट्रस्ट ईच अदर। जो आपका पार्टनर है, जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो आपके हस्बैंड है, जो आपकी वाइफ है, जो आपके बच्चे हैं, उन सब पर ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करें, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो बदले में आपको ट्रस्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ट्रस्ट क्यों करें, हम भी तो नहीं ट्रस्ट करते। भाई आप ट्रस्ट करना शुरू कर दें, आप ट्रस्ट करना शुरू कर दे, क्यों, वही फार्मूला जो देंगे वही आएंगे आपके पास। तो ट्रस्ट करते हैं, जिस रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं वो रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं। नंबर पाँच, यू लव टुगेदर। आप एक दूसरे के साथ हंसते हैं, जब भी आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो आप दूसरे के साथ हंसी मजाक से हंसते हैं, छोटे छोटे बातों पे हंसते हैं। तो जब इस टाइप की चीज़ें रिलेशनशिप में होती है, लाइक आपने कोई जोक मारा, उसको बुरा नहीं लगा, वो हंसने लगा, उसने कोई जोक मारा, या आप लोगों ने ऐसे कोई बैठ के गपशप लगाई, उसमें भी हंसी मजाक, उसमें भी हंस, तो ये चीज़ें जिस रिलेशनशिप में होती है उसको हेल्दी रिलेशनशिप कहा जाता है। नंबर छः, सपोर्ट ईच अदर इन डेली लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है वो जॉब कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उनकी वाइफ जो घर में होती है तो उनको सपोर्ट कर रही है, वो घर में बच्चों को संभाल रही है, बच्चों को सपोर्ट कर रही है, बच्चों को मुख्तलिफ एजुकेशन पे फोकस करा रही है, घर के काम में हेल्प कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी वाइफ जॉब कर रही है और आप घर में हैं, तो आप घर के मामलात देख रहे हैं, आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बच्चों की सारी एजुकेशन को देख रहे हैं, वाइफ क्योंकि वाइफ जॉब कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दोनों जॉब कर रहे हैं,
तो दोनों जब शाम को घर आते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं, किसी ने खाना बनाया, किसी ने बाहर से रोटी लेकर आए, कुछ भी कर दिया, तो एक दूसरे को सपोर्ट जो करते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में अगर इस तरह की सपोर्ट होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं डेली, तो ये चट्टा निशानी है हेल्दी रिलेशनशिप की। तो ये जो 6 निशानियां हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, किसी भी रिलेशनशिप में अगर ये 6 निशानियां मौजूद होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की ड्रीम में सपोर्ट करते हैं, सारे अगर ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होते हैं तो उस रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप कहते हैं।